अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मिकी मिक्सेस। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन समोसे। ये समोसे पट्टियों से नहीं बनाए बल्कि घर ही में गूंदे हुए आटे से बनाए हैं और ये बहुत ही मज़े के हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। डो गूंदने के लिए हम लेंगे एक कप आटा, इसमें डालेंगे हम आधा कप मैदा, सॉल्ट हाफ टी स्पून, अजवाइन आधा टी स्पून, तेल 3 टेबल स्पून और 1 अंडा। इसको हम नीम गर्म पानी की मदद से बिल्कुल रोटियों के आटे की तरह गूंद लेंगे। आटा गूंदने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑयल, उसमें हम डालेंगे 3 गार्लिक के क्लोव्स। इसको हम सौते करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे चिकन, फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटे साइज़ की गाजर, 1 छोटा कैप्सिकम, 1/4 बंद गोभी और ग्रीन चिली और थोड़ा सा धनिया। मसालों में हम लेंगे नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। अब जिस तरह रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, हम इस आटे के भी पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद हम उन्हें बेलेंगे और बेलने के बाद बीच में एक कट लगाकर उसके 2 हिस्से कर लेंगे। अब हम अपनी उंगलियों की मदद से समोसे को उसकी शेप देंगे और शेप देने के बाद हम इसमें फिलिंग डालकर इसको बंद कर लेंगे। अगर आप चाहें तो फॉक से ऐसे निशान भी लगा सकते हैं। सारे समोसे तैयार हो गए हैं, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तेल जो है वो गर्म होना चाहिए और हम इसमें एक एक करके समोसे डालेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक इनको फ्राई करेंगे। समोसे फ्राई करते वक्त फ्लेम जो है वो मीडियम पे होना चाहिए। चिकन समोसे तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।